नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खास बात वीर सिंह के साथ। दोस्तों, इससे पहले हमने अपने एपिसोड में न्यू कामठी पुलिस स्टेशन के एक वीडियो दिखाया था, जिसमें ये दिखाया था कि यहाँ के पुलिस वाले जो टू व्हीलर पे जो कोयले वाले जाते हैं, उन्हें रोकते हैं, उन्हें परेशान करते हैं और उनसे वसूली करते हैं। इस मामले की जानकारी मिलते ही न्यू कामठी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ थानेदार वैरागढ़े जी, इनसे हमारी बात हुई और इनसे क्या बातचीत हुई वो हम आपको बताते हैं। कुछ दिन पहले आपके NBCN चैनल पर आपने एक न्यूज़ चलाई है कि नई कामठी पुलिस थाने के अंदर कुछ कोयले वाले जाते हैं अपने मोटरसाइकिल पे कोयला लेकर और कामठी पुलिस उनसे 100 रुपये वगैरह ऐसा कुछ पैसा लेते हैं, छोड़ते हैं। इसकी हमने तफ्तीश चालू की है और कुछ इंक्वायरी भी की है। हमें पता चला है कि कुछ करनान के कोयला माइंस या उसके आसपास में वेस्टेज कोयला चुन कर ये लोग उसको साफ कर कर के बोरी में भरते हैं और वो कुछ बट्टे वाले, जैसे कि ईंट के बट्टे वाले हो, धान के हो या ढाबे, इनको बेचते हैं, ऐसा पता चला है। अब इसके बारे में हमारे पास अभी तक कोई ऐसी कंप्लेंट आई नहीं है कोल माइंस से या फिर किसी ठेकेदार से कि उनका कोयला चोरी हुआ है, क्योंकि हमने इसके पहले ऐसे ही कुछ लड़कों को रोक कर उनके ऊपर कार्रवाई की थी। जब पता चला कि वो कोयले का मालिक कोई हमारे सामने नहीं आया तो उनके ऊपर 109 CRPC के अंतर्गत हमने 9 ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की थी। बाद में जब इसकी कोई आए नहीं हमारे सामने कि ये चोरी का कोयला है करके, तो ये शायद अभी वही कोयला फिर से वो दोबारा ऐसे ही तरीके से बेच रहे होंगे। और हमारे पुलिस जब पेट्रोलिंग पे रहते हैं, बीट मार्शल्स रहते हैं, पीटर मोबाइल रहते हैं, तो इनको ये देखते हैं तो इनको रोकते हैं, पूछताछ करते हैं। अभी आपके कहने के मुताबिक आपने किसी कोयले वाले की स्टेटमेंट ली है मगर उसका चेहरा वगैरह नहीं दिखाया है, वो हमारे सामने नहीं आना चाहता है कि उनसे पैसा लेता है करके। अगर ऐसा कोई पैसा लेता है हमारा कर्मचारी तो ज़रूर हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, और ऐसा हो रहा होगा तो आगे भी नहीं होगा, इसकी हम पूरी खबरदारी लेते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कि वैरागढ़े जी ने साफ कहा है कि अगर ऐसा कुछ है तो उस पर वो ज़रूर कार्रवाई करेंगे, और इस तरीके की जो कृत्य चल रहे थे उस पर अंकुश लगाने की बात इन्होंने की है, जो कि वाकई में एक अच्छी पहल होगी शायद इस क्षेत्र के लिए। आप देखते हैं आज की खास बात NBCN न्यूज़ पर।